सो फर्स्ट है रोंदना। रोंदना या कुचलना किसी चीज को, उसे कहा जाता है इंग्लिश में ट्रैम्पल। ट्रैम्पल मतलब कुचलना या रोंदना। नेक्स्ट है छटपटाना। छटपटाना या तड़पना, जैसे मछली जो है अगर उसे हम पानी से बाहर निकालते हैं तो वो तड़पती है, छटपटाती है, वैसे तड़पना या छटपटाना को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वम। स्क्वम मतलब तड़पना या छटपटाना। और नेक्स्ट है सुधारना। किसी चीज को सुधारना, वैसे सुधारना को इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई मतलब सुधारना। नेक्स्ट है तलाशी लेना। किसी की तलाशी लेना कुछ इस तरीके से, तो तलाशी लेना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्रिस्क। फ्रिस्क मतलब तलाशी लेना। और नेक्स्ट है विचार करना किसी बात पर या सोचना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पोंडर। पोंडर मतलब सोचना या विचार करना। और रद्द करना, रद्द करना किसी चीज को, उसे कहा जाता है इंग्लिश में नलिफाई। नलिफाई मतलब रद्द करना। नेक्स्ट है इतराना। किसी बात पर इतराना ताकि दूसरे आपकी तारीफ करें, वैसे इतराना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लॉन्ट मतलब इतराना। और लाड़ प्यार करना या दुलार करना किसी को बहुत ज्यादा, जैसे बच्चों को आप करते हो वैसे दुलार करना या लाड़ प्यार करना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पैम्पर। पैम्पर मतलब लाड़ प्यार करना या दुलार करना। और नेक्स्ट है फड़फड़ाना हवा में पंखों का, वैसे पंखों के फड़फड़ाने को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लैप। फ्लैप मतलब पंखों का फड़फड़ाना। नेक्स्ट है झपटना या दबोचना, जैसे बिल्ली को आपने देखा ही होगा वो झपट्टा मारती है, वैसे झपटना को इंग्लिश में कहा जाता है पाउंस। पाउंस मतलब दबोचना या झपटना। और नेक्स्ट है चापलूसी करना या खुशामत करना किसी की, उसे कहा जाता है इंग्लिश में फ्लैटर मतलब चापलूसी करना या खुशामत करना। और नेक्स्ट है झगड़ना, बेकार की बात पे झगड़ना, तो बेकार की बात पे झगड़ना को इंग्लिश में कहते हैं बिकर मतलब बेकार की बातों पर झगड़ना। नेक्स्ट है दोहराना। दोहराना या बार बार कहना, वैसे दोहराना या बार बार कहना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रिएटरेट मतलब दोहराना या बार बार कहना। और नेक्स्ट है तमाचा मारना, किसी को सजा के तौर पे तमाचा मारना, वैसे तमाचा मारना को इंग्लिश में कहा जाता है स्मैक मतलब तमाचा मारना। और नेक्स्ट है उल्लंघन करना, कानून का या फिर किसी नियमों का उल्लंघन करना, उन्हें ना मानना, वैसे उल्लंघन करना को इंग्लिश में कहा जाता है फ्लाउट। फ्लाउट मतलब उल्लंघन करना। नेक्स्ट है टालना। टालना किसी कार्य को, वैसे टालना को इंग्लिश में कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टालना। और नेक्स्ट है उल्टा करना। उल्टा करना या औंधा करना, वैसे उल्टा या औंधा करना को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्ट मतलब औंधा करना या उल्टा करना। और नेक्स्ट है हासिल करना। हासिल करना अपने एम को, अपने लक्ष्य को, वैसे हासिल करना को इंग्लिश में कहते हैं अचीव। और नेक्स्ट है आदर करना। आदर करना या लिहाज करना किसी का, वैसे आदर करना को इंग्लिश में कहा जाता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। और नेक्स्ट है थोपना। किसी पे कानून थोपना या फिर कुछ भी नियम थोपना, वैसे थोपना को इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज। इम्पोज मतलब थोपना। और नेक्स्ट है गुमराह करना किसी को, वैसे गुमराह करना को इंग्लिश में कहते हैं मिसलीड मतलब गुमराह करना। नेक्स्ट है टोकना, बीच में टोकना, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो आपने बीच में टोक दिया, वैसे टोकना को इंग्लिश में कहा जाता है इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब टोकना। और नेक्स्ट है जुटलाना। जुटलाना किसी की बात को, वैसे इसे इंग्लिश में बोला जाता है बिलाए। बिलाए मतलब जुटलाना। और नेक्स्ट है बेस बदलना। बेस बदलना या रूप बदलना, वैसे बेस बदलना को इंग्लिश में कहते हैं डिसगाइज। डिसगाइज मतलब बेस बदलना। और नेक्स्ट है सावधान रहना या सतर्क रहना, वैसे सावधान रहना या सतर्क रहना, इसे इंग्लिश में बोला जाता है बीवेयर। बीवेयर मतलब सावधान रहना या सतर्क रहना। और नेक्स्ट है सताना। सताना किसी को, वैसे सताना को इंग्लिश में कहते हैं पर्सिक्यूट मतलब सताना। नेक्स्ट है शुद्ध करना। शुद्ध करना, जैसे हमारे घर पे आरओ लगा होता है वो हमारे पानी को क्या करता है, शुद्ध करता है या साफ करता है, वैसे शुद्ध करना को इंग्लिश में कहा जाता है प्यूरिफाई। प्यूरिफाई मतलब शुद्ध करना।
और नकल उतारना, किसी की नकल उतारने को इंग्लिश में कहा जाता है इमिटेट। इमिटेट मतलब नकल उतारना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट डे हार मान लेना या झुक जाना किसी बीमारी के आगे। वैसे हार मान लेना या झुक जाना इसे कहा जाता है इंग्लिश में सकम। सकम मतलब हार मान लेना या झुक जाना। और नेक्स्ट डे इनकार कर देना अपनाने से किसी को, जैसे फैमिली मेंबर में कोई बात हो गई उसने अपनाने से इनकार कर दिया, वैसे अपनाने से इनकार कर देना इसे इंग्लिश में बोला जाता है डिसओन। डिसओन मतलब अपनाने से इनकार कर देना। नेक्स्ट डे इकट्ठा होना लोगों का, वैसे इकट्ठा होना को इंग्लिश में कहा जाता है गैदर। और नेक्स्ट डे तरसना, तरसना किसी चीज के लिए या फिर जोरदार तलब उठना किसी चीज के लिए, वैसे तरसना को इंग्लिश में कहते हैं क्रेव मतलब तरसना। नेक्स्ट डे गायब हो जाना ऐसे कि पता ही ना चले, वैसे गायब हो जाना को इंग्लिश में कहते हैं वैनिश मतलब गायब हो जाना। और कंठस्थ करना, कंठस्थ करना का मतलब होता है याद करना, वैसे कंठस्थ करना को इंग्लिश में कहा जाता है मेमोराइज। और नेक्स्ट डे रिसना, रिसना जैसे गैस का रिसना या फिर किसी लिक्विड चीज का रिसना, वैसे रिसना को इंग्लिश में कहते हैं लीक। लीक मतलब रिसना। और दूध निकालना गाय या बकरी का, वैसे दूध निकालने को इंग्लिश में कहा जाता है मिल्क। मिल्क मतलब दूध निकालना। और नेक्स्ट डे ठगना, ठगना या ऐठ लेना पैसे को किसी से, वैसे ठगना या ऐठ लेना इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्विंडल। स्विंडल मतलब ठग लेना या ऐठ लेना। और नेक्स्ट डे छुपकर सुनना किसी की बात को, बाय द वे छुपकर सुनना को इंग्लिश में कहते हैं ईव्सड्रॉप। ईव्सड्रॉप मतलब छुपकर सुनना। और नेक्स्ट डे पीछा करना, पीछा करना किसी का, वैसे पीछा करना को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक। स्टॉक मतलब पीछा करना। नेक्स्ट डे छिपाना, छिपाना किसी से कुछ या फिर गुप्त रखना, वैसे छिपाना या गुप्त रखना को इंग्लिश में कहते हैं कंसील। कंसील मतलब छिपाना या गुप्त रखना। और नेक्स्ट डे सफाई देना, सफाई देना किसी को, वैसे सफाई देना को इंग्लिश में कहते हैं जस्टिफाई मतलब सफाई देना। और नेक्स्ट डे ढोंग करना, ढोंग करना या पाखंड करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में शैम। शैम मतलब ढोंग करना या पाखंड करना। और नेक्स्ट डे छोटा करना, छोटा करना या कम करना या घटाना किसी चीज को, वैसे छोटा करना या घटाना या कम करना इसे कहा जाता है इंग्लिश में कटेल। कटेल मतलब छोटा करना या कम करना या घटाना। और प्रदूषित करना एयर को या फिर रिवर को, वैसे प्रदूषित करना को इंग्लिश में कहते हैं पलूट मतलब प्रदूषित करना। और नेक्स्ट डे घुल मिल जाना आपस में, वैसे घुल मिल जाना को इंग्लिश में कहते हैं मिंगल। मिंगल मतलब घुल मिल जाना। और नेक्स्ट डे बड़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को, वैसे बड़ा चढ़ाकर कहने को इंग्लिश में कहते हैं एग्जाजरेट। एग्जाजरेट मतलब बड़ा चढ़ाकर कहना। और नेक्स्ट डे चबाना, खाने को चबाना, वैसे चबाना को इंग्लिश में कहा जाता है मेस्टिकेट। मेस्टिकेट मतलब चबाना। नेक्स्ट डे गिरा देना, गिरा देना या तोड़ देना बिल्डिंग को, वैसे गिरा देना या तोड़ देना को कहते हैं इंग्लिश में डिमोलिश मतलब गिरा देना या तोड़ देना। और परहेज करना किसी चीज से, वैसे परहेज करना को इंग्लिश में कहते हैं अब्सटेन मतलब परहेज करना। एंड द लास्ट वन इज अदला बदली करना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एक्सचेंज मतलब अदला बदली करना। That's it for today's video। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।